दोस्तों चलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लाइन एंड एंग, रेखा और कोण। जो है इस पर मैं दो तीन वीडियो और पीछे बना चुका हूँ। आप जो एकदम शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो मैंने दो वीडियो और बनाया है। शुरू से पढ़ना है आपको तो जो है पिछली वीडियो को भी ज़रूर देखिए। अब देखिए आज इस पर हम जो है कुछ क्वेश्चन देखेंगे, कुछ जो है सॉल्व यानी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि इस पर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग ध्यान से पढ़िए, आपके बहुत काम आएगा ये। देखते रहिए, मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा एकदम। फिर लिखना चाहेंगे तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है, रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री यानी 70 अंश दिया है और कोण बी ओ डी बराबर 40 अंश है तो कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही क्वेश्चन है हमारा। अब मैं फिगर बना देता हूँ, देखिए इसका चित्र दिया है। देखिए ये चित्र दिया, इसमें कोण दिया, ठीक देखिए यही हमारा सब बिंदु दिया है ए बी, फिर सी है, यहाँ पे डी है, फिर देखिए ई है। ठीक है, अब हम देखते हैं किसकी किसकी वैल्यू दिया है। कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 अंश दिया है तो हम इसको देखिए लिख लेंगे। जो जो दिया है कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 अंश दिया है। अब देखिए अब आगे दिया है कोण कोण बी ओ डी बराबर 40 अंश, कोण बी ओ डी बराबर 40 अंश देखिए दिया है, बराबर 40 अंश। अब हमको देखिए क्या क्या पूछा है, बी ओ ई और बी सी ओ ई ज्ञात करना है। कोण बी ओ ई ज्ञात करना है और कोण सी ओ ई ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखते जाइए दोस्तों। अब देखिए हम देखिए ये जो है ए बी एक लाइन है, ठीक है, ए बी एक लाइन है और लाइन पर देखिए दो एंगल बन रहे हैं, तीन एंगल बन रहे हैं, ए ओ सी पहला एंगल, दूसरा एंगल सी ओ ई ये दूसरा एंगल हो गया, फिर तीसरा एंगल बन रहा है एंगल यानी कोण दोस्तों, तीसरा कोण बन रहा है सी ओ बी। ठीक है, ये तीन एंगल बन रहे हैं यहाँ पे। अब जानते हैं कि हम एक लाइन पर जो है 180 डिग्री यानी 180 अंश का कोण बनता है। ये जो पूरा कोण होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा 180 अंश होता है, यानी हम तीनों कोण को जोड़ने पर 180 अंश आएगा। ये कोण और ये कोण और ये कोण तीनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा एक लाइन का कोण हो जाएगा, तो यानी वो 180 अंश के बराबर होगा। तो हम चलिए इसी को लिख लेते हैं, सबसे पहले लिखेंगे कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी प्लस कोण देखिए सी ओ ई है प्लस कोण देखिए दिया ई ओ बी, कोण ई ओ बी एक रेखा पर बने सभी कोणों का योग जो 180 अंश होता है। देखिए दोस्तों 180 अंश हो गया। अब इसमें जिसका जिसका मान दिया उसका मान हम लोग रख देंगे। अब यहाँ पे देखिए ए ओ सी कोण ए ओ सी, ठीक है, ए ओ सी का मान प्लस बी ओ ई, ए ई ओ बी है या फिर बी ओ ई, ठीक है, बी ओ ई या फिर ई ओ बी इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 70 अंश। एक और देखिए ई ओ बी है, इसमें दिया है बी ओ ई, तो हम इसको चाहे बी ओ ई पढ़े चाहे फिर ई ओ बी बात एक ही है। तो देखिए इसका और इसका मान दिया है तो इसको हम एक साथ लिख लेते हैं, कोण ए ओ सी
प्लस कोण ए ओ बी, देखिए प्लस सी ओ ई बराबर 180 एंड से हमें पता ही है। अब देखिए ए ओ सी प्लस ई ओ बी, इसका मान 70 अंश दिया है, इसके जगह हम पूरा की जगह 70 अंश रख देंगे, इसका मान दिया है प्लस कोण सी ओ ई बराबर 180 अंश। अब देखिए जब दोस्तों हम पक्षांतर करेंगे, 70 अंश को जो है इधर लाएंगे, बराबर के दूसरे साइड लाएंगे तो यहाँ पे प्लस है, प्लस में जोड़ा गया, जब दूसरे साइड आता है तो माइनस हो जाता है, घट जाता है। यहाँ से देखिए दोस्तों तुरंत सी ओ ई बराबर आ गया 180 अंश, ये प्लस में है 70 अंश, जब इधर आ गया तो माइनस 70 अंश हो जाएगा। अब देखिए 70 में 180 में 70 अंश घटा दिए 110 अंश, देखिए कोण सी ओ ई का मान आ गया 110 अंश। ठीक है दोस्तों, हमारा एक कोण मिल गया कोण सी ओ ई 110 अंश। अभी एक कोण और ज्ञात करना है, कोण बी ओ ई ज्ञात करना है। ठीक है, तो बी ओ ई तो देखिए एकदम आसानी से ज्ञात हो जाएगा, अब देखिए जो पहला समीकरण हम लिखे हैं इसी को लिखता हूं मैं, यहां से देखिए जो मैं पहला लिखा हूं कि ए ओ सी प्लस सी ओ ई प्लस ई ओ बी, या फिर इसको मैं बी ओ ई लिख लेता हूं, क्योंकि देखिए दोस्तों ये ई ओ बी, इसको मैं ऐसे भी पढ़ सकता हूँ बी ओ ई, उसी कोड को तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ क्योंकि उसमें पूछा है बी ओ ई कोड, तो बराबर 180 अंश है, मैंने आपको पहले ही बताया है। अब देखिए इसमें ए ओ सी, ए ओ सी का मान देखिए दोस्तों इसमें है, अब हम किसका मान निकाले हैं, सी ओ ई का मान निकाले हैं, सी ओ ई और ए ओ सी, दस अंश है ये तीनों का, रुक जाइए यहाँ पे देखिए मैं इसको ऐसे सॉल्व कर देता हूँ, हमारा सी ओ ई का मान निकल गया 70 अंश, ये वाला कोड हमारा देखिए 70 अंश आ गया है। ठीक है, अब इसका और इसका योग दिया है, इन दोनों का योग देखिए दिया है 70 अंश। ठीक है, 70 नहीं, इसका मान देखिए सी ओ ई, सी ओ ई का मान तो 110 अंश आया है हमारा, इसका मान 110 अंश आया है, तो अब 110 अंश आया, हमें निकालना है बी ओ ई निकालना है, तो बी ओ ई देखिए इसमें हम ए ओ सी का मान जो इसमें रख देंगे तो बी ओ ई यहाँ से निकल जाएगा, तो हमें सबसे पहले ए ओ सी निकालना पड़ेगा, तो ए ओ सी निकालने के लिए देखिए ए ओ सी प्लस बी ओ ई यहां से देखिए बी ओ डी का मान 40 अंश दिया है, बी ओ डी का मान 40 अंश दिया है, तो देखिए यहां से चलिए अब ये भी देखिए एक सीधी लाइन है दोस्तों, ये भी सीधी लाइन है, तो अगर हम इस कोड की बात करें इस लाइन पर कोड, तो देखिए ये भी 180 अंश बता एक लाइन पर कोड, तो अब देखिए यहाँ पे हमें बी ओ डी का मान 40 अंश दिया है, सबसे आसान है दोस्तों यहाँ से देखिए मिल गया हमारा 110 अंश इसका है, 40 अंश इसका है, तो बस ये तीसरा कोड निकल जाएगा, ये भी एक सीधी लाइन है, तो इस एक लाइन पर कोड 180 अंश मैंने बताया ही है, जैसे इस लाइन पर 180 अंश वैसे इसी लाइन पर भी 180 अंश बनेगा, एक जो है सीधी रेखा पर 180 अंश का कोड बनता है, तो अब देखिए दो कोड हमें पता ही है, तो तीसरा कोड अपने आप निकल जाएगा तुरंत, क्योंकि तीनों का एक 180 अंश होता है, अभी
देखिए हम ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं 110 अंक प्लस, अब कोण ई ओ बी, कोण ई, इसको क्वेश्चन में बी ओ ई पूछा है तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं बी ओ ई प्लस। अब देखिए तीसरा कोण, कोण बी ओ डी, बी ओ डी का मान 40 अंक दिया है बराबर देखिए 180 है, बस अब यहाँ से देखिए बी ओ डी तुरंत बी ओ ई निकल जाएगा। जब देखिए दोनों प्लस में इधर जुड़ जाएगा 110 और 40, 150 अंश हो जाएगा। अभी प्लस में है 150 अंश, जब इधर आएगा जब पक्षांतर करते हैं दूसरे साइड तो माइनस में हो जाता है, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा तो 180 अंश। अब देखिए माइनस 180 अंश माइनस, ये दोनों जुड़ के 150 हो गया तो इधर आके घट जाएगा तो 30 अंश। देखिए हमारे ये कोड भी मिल गया 30 अंश बस। अब देखिए इसमें सी ओ ई और बी ओ ई पूछा था, देखिए कोड जो है कोड बी ओ ई, बी ओ ई हमारा 30 अंश आ गया और कोड सी ओ ई, कोड सी ओ ई 110 अंश आया। ठीक है दोस्तों, अब चलिए जल्दी जल्दी हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग इसको लिखना चाहेंगे तो वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है एकदम आसानी से, यही बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, ऐसे जब ऐसे ऐसे लाइन रहें सीधी सीधी रेखाएं रहें तो एक रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। तो देखिए एक सीधी रेखा इस पर भी 180 अंश का कोण बना, अब उस 180 अंश के कोण को तीन कोण में बांटा गया है, एक ये कोण है, एक ये कोण है, एक ये कोण है। तो उससे हम दोस्तों देखिए दो कोण का मान दिया था तो तीसरा कोण 110 अंश निकाल लिए। अब इसमें एक और लाइन ऐसे सीधी आई है तो इस लाइन पर भी 110 अंश का ही कोण बनेगा, उसमें हम 110 अंश 180 अंश का ही कोण बनेगा इस लाइन पे। तो अब देखिए उसमें से हम 110 अंश एक कोण, इस लाइन पर भी तीन ही कोण बन रहे हैं, एक दो तीन, ठीक है, इस लाइन पर भी तीन कोण बन रहे हैं, उसमें से हम एक कोण निकाल चुके हैं कि 110 अंश और एक कोण दिया ही है, तो बस तीसरा कोण अपने आप निकल जाएगा 180 अंश में से, इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे, वही किया गया दोस्तों, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, बस आप लोग ध्यान से पढ़िए। ठीक है फिर देखिए मैं अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, अब क्वेश्चन पहले सुन लीजिए आप लोग, अब क्वेश्चन सुनिए। दिया रेखाएं यक्स वाई, रेखाएं यक्स वाई और यमोन यमयन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है ये रेखाएं दिया यक्स वाई और यमयन बिंदु, ये जो है ना दो रेखाएं हैं यक्स वाई और यमयन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब यदि यदि कोण पी ओ वाई बराबर 90 अंश और ए अनुपात बी बराबर 2:3 है तो कोण सी का मान ज्ञात करना है। ये हमारा क्वेश्चन है, मैं फिगर बना के बताता हूँ तब आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए फिगर देख लेते हैं, देखिए एक रेखा इसको प्रतिच्छेद करते हुए जाती है, ये रेखा देखिए दोस्तों एक्स वाई है रेखा, या फिर इसी को हम लाइन कहते हैं, ये एक्स वाई लाइन है। अब दूसरी एक लाइन देखिए है यमयन, दूसरी लाइन यमयन है। अब देखिए यही दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, और जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं जहाँ पे एक दूसरे को मिल रही हैं उस बिंदु को दिया है कि ये बिंदु ओ है, एक्स वाई और यमयन एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। फिर इस पर एक और जो है लाइन है परपेंडिकुलर बनाया गया, यानी लंबवत, लंबवत बनाया गया है और इसका नाम पी रखा गया है। अब देखिए ये जब लंबवत है दोस्तों, एक चीज़ आप लोग पढ़े होंगे कि जब लंबवत किसी रेखा पर कोई लंब खींचते हैं तो वो एकदम सीधा रहता है और 90 अंश का कोण बनाता है, ठीक है सीधा। तो देखिए ये 90 अंश का कोण हो गया। अब इस कोण को देखिए उसमें माना है ए है, क्वेश्चन में ए माना है बी और इसको सी माना है। हमें देखिए कोई कोण दिया नहीं है, ठीक है कोई कोण दिया नहीं, बस ए और बी का अनुपात दिया है, ए अनुपात है बी बराबर लिखा है 2:3,
क्वेश्चन में दिया है, तो हमें सी का मान बताना है कि कोण सी का मान कितना होगा। ठीक है, कोण सी का मान हमें बताना है। ए अनुपात बी का मान दिया है 2:3। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए कि मैं आपको पिछले ही क्वेश्चन में अभी बताया हूँ कि एक लाइन पर 180 अंश का कोण बनता है, यानी ये पूरा कोण यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक मिलाएंगे तो 180 अंश का कोण बनेगा, 180 अंश का बनेगा। अब इसमें से देखिए एक कोण 90 अंश दिया है, तो इधर वाला भी ऐसे सीधे 90 अंश रहेगा, यानी इन दोनों को मिलाने पर जो 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, तो मैं पहले उसी पॉइंट को लिख लेता हूँ कि देखिए कोण, मैं डायरेक्ट देखिए पी ओ एम, कोण पी ओ एम का मान ए दे दिया, तो मैं सीधे ही उसको कोण ए लिख देता हूँ। मैं लिखूंगा कोण पी ओ एम प्लस कोण जो है एम ओ एक्स, उसके जगह पे उन सब का मान दे दिया ए बी, तो मैं उसी को रख दे रहा हूँ कोण ए प्लस बी। देखिए इसका मान 90 अंश होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में एक ये सीधी लाइन दिया है, ये सीधी लाइन है तो उस पर 180 अंश का कोण बनेगा। अब इसमें ये भी दिया है कि ये कोण 90 अंश है, तो इधर वाला भी 90 अंश रहेगा, तभी 180 होगा। तो अब ए और बी को हम जोड़ेंगे तो 90 अंश आना चाहिए। ठीक है, अब उसमें ए और बी का अनुपात दिया है, तो कोण ए और बी का अनुपात जो है 90 अंश है। अरे कोण ए प्लस सॉरी दोस्तों, कोण ए अनुपात बी बराबर देखिए दिया है 2:3। ठीक है, यानी ए बटे बी का मान 2:3 है। तो अब देखिए इसमें भी दो लाइन है, देखिए एम एन भी एक सीधी लाइन है। ठीक है, एम एन भी एक रेखा है दोस्तों। तो अब यहाँ से देखिए, आप लोग जानते हैं कि इन दोनों कोणों का इस लाइन पे एक ऐसे पूरा कोण बनाएंगे तो ये भी 180 अंश होगा, क्योंकि एक रेखा पे 180 अंश का कोण बनता है, आप जानते ही हैं। तो कोण बी प्लस कोण सी का मान भी 180 अंश रहेगा। तो हम देखिए दोस्तों, यहाँ पे खाली बी का मान भी हम निकाल लेंगे तो सी का अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश रखेंगे तो उसमें बी का मान हमें पता रहेगा, तो सी का निकाल लेंगे तुरंत। तो इसके लिए हमें बी निकालना जरूरी है। तो देखिए यहाँ से बी निकालने के लिए ए अनुपात है बी का मान 2:3 दिया है, तो अनुपात का मतलब आप जानते हैं कि भाग होता है, तो ए अनुपात है बी मतलब ए बटे बी, ए बटे बी का मान 2:3 दिया है। तो हमें देखिए दोस्तों बी का मान जरूरी है, तो बी का मान जरूरी है, तो देखिए हम ऐसे करते हैं, बी का मान निकालते हैं। तो देखिए आप जानते हैं कि जब बराबर होता है तो उसका ऐसे तिर्यक गुणा होता है, 3 का a में गुणा होगा और b का 2 में गुणा होगा, तो यानी 3a = 2b। तो हमें b का मान निकालना है, तो ये 2 इधर गुणा में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा। तो दोस्तों b = 3/2a, देखिए b का मान हम निकाल लिए, b = 3/2a, तो हम इस b के जगह ना 3/2a रख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोगों को बस समझाने के लिए लिखा था। b का मान हमारा आया 3/2a, तो देखिए कोण a प्लस कोण बी की जगह हम 3/2 कोण ए लिख देंगे बराबर 90 अंश, क्योंकि कोण ए और कोण बी के बीच में अनुपात दिया था, तो इससे हम बी का मान निकाल लिए। चलिए दोस्तों, हमें ए का मान निकालना था क्योंकि यहाँ पे हमें बी की जरूरत है। चलिए एक कोई भी निकल जाएगा तो दूसरा अपने आप निकल जाएगा, चलिए यही मैं रख दिया, तो इसी से कर लेते हैं। अब जानते हैं आप इसको सॉल्व करना, ये 2 का इसमें गुणा होगा, जैसे फ्रैक्शन भिन्न जैसे होता है, भिन्न को सॉल्व करना बस उसी तरह। अब इसके नीचे कुछ नहीं, तो जैसे एक मान के लस अपर लेके लगाते हैं, तो 2 का मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 2 का इसमें गुणा होगा 2 कोण a + 3 कोण a, यानी कुल मिलाकर हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ 5 कोण a/2 बराबर 90 अंश। अब देखिए मैं ये 2 भाग में है तो इधर आके गुणा हो जाएगा 5 कोण a = 90 अंश। अब देखिए यहाँ से हमें कोड़े निकालना है, तो देखिए 5 गुणा में तो इधर आके भाग हो जाएगा 90 अंश/5, यानी 18 अंश। ठीक है, जब 90 अंश को हम 5 से भाग देंगे, 5 इधर आके भाग में हो जाएगा, तो कोड़े का मान कितना आ गया दोस्तों, 18 अंश। तो बस यहाँ से देखिए ए प्लस बी का मान 90 अंश दिया, तो हमें ए पता चल गया तो बी निकल जाएगा, ए इधर देखिए प्लस में है तो इधर आके घट जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करते हैं, जब बराबर के दूसरे साइड जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, तो कोण बी बराबर देखिए हो जाएगा 90 अंश माइनस कोण ए, कोण ए का मान हमारा 18 अंश है। तो बस देखिए यहाँ से कोण बी का मान 10 - 8 = 2 हो गया, 8 - 1 = 7, देखिए कोण बी का मान 72 अंश आ गया। अब दोस्तों हम लाइन इस पर बात करेंगे,
कि रेखा यम ओ यन पर लिख देंगे, कि रेखा यम ओ यन पर लिख भी सकते हैं, रेखा यम ओ यन या फिर यम यन पर। अब देखिए, अब जो यम ओ यन कोण है, एक सीधी रेखा पर कोण जो है 90 अंश होता, अरे 180 अंश होता है दोस्तों, ठीक है। यम ओ यन एक रेखा पर 180 अंश कोण होता है। फिर अब देखिए, हम इसको दो पार्ट में करेंगे, यम ओ यन को कोण यम ओ यक्स प्लस कोण जो है यम ओ यक्स प्लस यक्स ओ यन, ठीक है। इसी को दो पार्ट में करेंगे तो उसका जो जोड़ने पे 180 अंश होगा, क्योंकि सीधी रेखा पर 180 है। तो यम ओ यक्स का मान बी दिया है तो हम सीधे कोण बी लिखते हैं, प्लस यक्स ओ यन का मान देखिए कोण सी दिया है, प्लस कोण सी। अब सीधी रेखा पर कोण है तो 180 अंश हो गया। अब देखिए, इसमें हम बी का मान निकाल चुके हैं, कोण बी बराबर 72 अंश प्लस कोण सी, ठीक है, प्लस कोण सी हो गया अब 180 अंश। अब देखिए कोण सी बराबर देखिए 180 अंश माइनस 72 अंश। अब देखिए, इसको घटा लेंगे, 10 माइनस 2 8 हो गया दोस्तों। अब यहाँ 8 माइनस 7 1, ठीक है, फिर 118 अंश। हमें कोण सी का मान पूछा था तो कोण सी का मान दोस्तों आ गया 118 अंश, ठीक है। यही हमारा जो है ये सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का, कोण सी के बराबर 118 अंश, यही हमारा आंसर हो गया। बस दोस्तों, आप ध्यान से पढ़ते रहिए और देखिए, आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो वीडियो को दोबारा देखिए एक बार, एकदम आसानी से आएगा, बस ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, भी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, कम से कम 3 से 4 दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए जो भी मैथ पढ़ने वाले हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आगे अगले दिन पढ़ाऊँ।